क्वेश्चन क्या है? सो दैट द कर्व 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 4xy इक्वल टू के, ये दो कर्व हैं कट एट राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे इफ के स्क्वायर इक्वल टू 512। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम राइट एंगल के लिए फिर प्रूव कर सकें। तो उसके लिए मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम 4x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो 4x की वैल्यू है इसको निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, y की वैल्यू k की पावर 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, k की पावर 1/3 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी k रेस्ट टू द पावर 2/3 अपॉन 4। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए। तो फर्स्ट में से 2y dy/dx = 4, तो यहां से dy/dx आ गया हमारा 2/y। और सेकंड को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड में हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले सेकंड में ऐसा कर लो, y इक्वल टू के अपॉन 4x, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे माइनस के अपॉन 4x2। बस आसान क्वेश्चन है, बाद में रख लेंगे। कर्व कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेंगे। हम यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते थे एक्स और वाई की, या आप रख लेंगे कोई बात नहीं। ये M1 और ये M2। यहीं पे कर देता हूं मैं, इतने से में हो जाएगा। ये कट गया हमारा, तो कितना आ गया, माइनस से माइनस भी कट गया। के इक्वल टू 2x²y, तो x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, के रेस्ट टू द पावर 2/3, तो ये हो जाएगा k रेस टू द पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, और y की जगह 1/3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो ये कट गया, यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, पावर ऐड करेंगे 4/3 + 1/3, 5/3 अपॉन 8। तो 8 इक्वल टू, यहां पे हम k की पावर 5/3 अपॉन k करेंगे, तो k की पावर 2/3 हो जाएगा। बस क्यूबिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 512 इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, लेकिन समझ में आ गया होगा सभी को। जब भी दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं स्लोप का, और -1 के इक्वल रख देते हैं,
एट इंटरसेक्शन पॉइंट, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे, तो हमारा जो भी रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। तो आ गया होगा सभी को।